हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। नवंबर में आपकी परीक्षा आ गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज बेटा हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे और इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले समय में हम एक काउंटर भी यूज़ करेंगे जिसमें हमको आपको समय देंगे। उस समय में आपको सवाल पढ़ के करना होगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूंगा, घबराने कोई बात नहीं। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि जो 90 मिनट मिल रहे हैं आप 45 मिनट में पूरा पर्चा करके आएंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्या कह रहा है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डब्ल्यू। एक तरीके की ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल की परिभाषा जो है डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि साहब इन्फिनिटी से वर्क डन उस पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। यानी पोटेंशियल इज गिवन बाई वर्क डन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज या एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो आपको क्या निकालना था, द पोटेंशियल फाई एट दैट पॉइंट क्या हो जाता है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रिंगिंग इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जितना किया जाता है वही पोटेंशियल कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बेटा। और ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप जानते ही हैं कि टू इक्वल चार्ज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस अपार्ट, क्योंकि जैसे ही पास मिलाएंगे मिल जाएंगे खत्म हो जाएंगे, तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, लोग वाक्य कहते हैं सम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे जाते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये समय क्या है, थीटा वन आपका अलाइन है 0 डिग्री। क्या कर रहे हैं इसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन रोटेटिंग, इसको आप रोटेट करा रहे हैं और कहाँ पर ले जा रहे हैं, 90 डिग्री पर ले जा रहे हैं। एम आई राइट? ये पूरी फील्ड है, घबराइएगा नहीं। यानी थीटा टू आप ले जा रहे हैं 90 डिग्री पे, वर्क डन निकालना है। बहुत अच्छी तरह जानते हैं पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। पीई कॉस थीटा वन कितना है, कॉस जीरो से। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा आपका जीरो है, अलाइन है। फिर इसको आप ये ले गए, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है। थीटा टू क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, और कॉस थीटा जीरो वन होता है। तो आप कह सकते हैं वन माइनस जीरो अर्थात पी ई। 0 डिग्री से 90 डिग्री वर्टिकल ले जाएंगे, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो जाहिर सी बात है उस समय जो वर्क डन होगा पी इंटू ई होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। क्या कह रहा है कि साहब एक हॉलो मेटेलिक सरफेस ऑफ रेडियस इतना है। और आप जानते हैं एक बात को जान लीजिए, ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे, जब भी हॉलो मेटल सरफेस लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको चार्ज देंगे चाहे इवन यहाँ पे भी रखेंगे आइसोलेटेड, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू नेचर प्रॉपर्टी ऑफ नेचर सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ऐसे सूरत हाल पे आप देखेंगे कि जो भी पोटेंशियल होता है आपका सेंटर से लेके सरफेस तक सेम होता है। एम आई राइट? अगर ये डिस्टेंस वर्सेस वोल्टेज ग्राफ खींचे तो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होता है आपका, अगर रेडियस आर है मान लीजिए, ठीक, ये आपका डिस्टेंस वेरी कर रहा है सेंटर से लेके यहाँ तक आया, ये सेंटर है ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ पहुँचे आप और फिर आगे पहुँचे, तो जो भी पोटेंशियल है सेंटर से यहाँ तक सिमिलर रहता है और उसके बाद ग्रेजुअली आपका डिक्लाइन होता है एक्सपोनेंशियली 1/r के।
फील्ड कैसे होती है? फील्ड यहाँ तक जीरो होती है और फिर डिक्लाइन होती है एक्सपोनेंशियली आर के स्क्वायर के बराबर। याद है बेटा, ये दो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, एग्जाम पास कर ले जाएंगे। एग्जाम नहीं, आईटी मेन तक में भी यही सवाल पूछे जाते हैं। तो सरफेस पे ये कह रहे हैं 80 वोल्ट है तो पोटेंशियल एट द सेंटर। आप कह रहे हैं भैया हमको ये ग्राफ मालूम है, सेंटर से लेके सरफेस किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वोल्ट कितना मिलेगा? सिमिलर मिलेगा, यानी 80 वोल्ट ही मिलेगा आपको। क्लियर? याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ से? यहां से लेके सरफेस तक। फिर कैसे घटती है? एक्सपोनेंशियली स्क्वायर के। और पोटेंशियल क्या होता है? सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है, फिर जो है रेसिप्रोकली जो है वो आपका डिक्लाइन होता है, एक्सपोनेंशियली आपका डीके होता है। चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर, देखिए वही आ गया, कर दीजिए भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इज वी वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंग इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये इन्फिनिटी से आप इस क्यू को उठा के लाते हैं, इस पॉइंट पर लाते हैं, तो क्या करना चाहिए इनको? वर्क डन पूछ रहे हैं कि यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन होगा। आप जानते हैं कि पोटेंशियल कितना होता है? वर्क डन अपॉन इसके द्वारा, ये जो आप लाते हैं चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, किसके द्वारा? इस चार्ज के द्वारा। इस चार्ज की एक फील्ड होगी, फील्ड की वजह से फोर्स होगा इस पे लगेगा, जिसको अगेंस्ट आप फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं। तो जब भी कोई फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है। तो आप कहते हैं कि जो पोटेंशियल है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कौन से चार्ज पे, इसकी वजह से तो फील्ड है, इसकी वजह से पोटेंशियल है, और इसकी वजह से इस चार्ज पे आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। और आपको क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू। तो इस सवाल में दो कंसेप्ट हैं बेटा, सीख लो। एक ये क्यू है जिसकी वजह से फील्ड है, जिसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल रहा है, वी मिल रहा है, और एक ये चार्ज है जो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाया जा रहा है। तो वर्क डन इसी पे, इस चार्ज पे किया जाता है, और इसके द्वारा बी है और इसके द्वारा डब्ल्यू है। क्लियर? चलते हैं आगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस फ्रॉम, इतना आपने कहा फार्मूला हमको मालूम है, क्यू अपॉन आर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, डायरेक्ट लिख लिया था, लिखना नहीं चाहिए था। नैनो डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए, इससे ये चला गया, नैनो से ये चला गया, ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, यानी 300 वोल्ट। या सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते जाएंगे। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट इतना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक डेफिनेशन रटाई गई होगी, dy/dx। फील्ड जो है वो पोटेंशियल के ग्रेडियंट के निगेटिव होता है, यानी dy/dx ऑफ द पोटेंशियल के निगेटिव के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पे केवल x दिया है क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं, आगे बढ़ेंगे तो y और z भी मिलेगा, जो कि पार्थली डिफ्रेंसिएशन से आता है। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इससे काम चलाइए, v की वैल्यू रख लीजिए। आप जानते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा, तो आपको केवल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर 2x(n-1), एम ए राइट? अरे भैया d/dx एक्स की पावर n बराबर एन एक्स माइनस वन मालूम है कि नहीं मालूम है? सीख लीजिएगा जाके। किसी ना किसी, हमारे पास एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा डिटेल में। काम बन गया, -6x, ये देखिए इस पॉइंट पे निकालना है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, तो -12 वोल्ट है कोई? यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा एक बार ऐसा देख लो, फिर हम लाइव आएंगे जिसमें हम आपको क्या देंगे, काउंटर भी लगा देंगे 30 सेकेंड का,
या 1 मिनट का, हम आपको पूरा समय देंगे, आप उसको करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर हम करके आपको दिखा देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर वही होता है जो हॉलो होता है, और कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी होती, जैसे ही आप चार्ज देंगे, कहीं भी दे देंगे, यहाँ पे भी रख देंगे चार्ज ना, तो भी आप देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम है, सीधे आउटर सरफेस पे जाता है, इनर पे भी नहीं आता है, आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पोटेंशियल सेंटर से लेके यहाँ तक सरफेस तक यूनिफॉर्म होता है, फिर एक्सपोनेंशियली घट जाता है। ये वाला ग्राफ आपको याद आ रहा होगा। रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, सेंटर टू सरफेस या रेडियस है और ये आर वेरिएबल है। तो मैंने बेटा कह रखा है कि दो चीज ध्यान रखना, कंडक्टिंग स्फीयर यानी हालो स्फीयर, जैसे चार्ज देंगे आउटर सरफेस पे जाएगा, नंबर वन प्रॉपर्टी। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर से लेके होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप प्लॉट करें आर के वेरिएशन से, ये आपने कहा कि सर हमारे पास जीरो है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से लेके यहाँ तक जीरो होती है और फिर एक्सपोनेंशियली डिके होती है 1/r². यहाँ 1/r है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है इसलिए पोटेंशियल की बात चल रही है, तो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। चले बेटा आगे, थके तो नहीं? आप देखिए क्या कह रहा है भाई साहब, 20 जूल वर्क कर रहे हैं, 4 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर वेयर पोटेंशियल इज बी। सपोज आप यहाँ पे थे, ये कह रहा है जिस पॉइंट पे आप थे वो 10 वोल्ट था, यहाँ पे आपने 4 कूलम का चार्ज लिया और इसको यहाँ पे ले आए इस पॉइंट पे, यानी ए से आप बी आए, तो आप वर्क डन करेंगे इस बेचारे 4 कूलम को लेके ए से बी आएंगे, तो वर्क डन क्या होगा, ए बी, जो कि कितना दे रखा है आपको, 20 जूल दे रखा है। डब्ल्यू भी है, क्यू भी है, ये पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है, इस पे निकालना है। आप जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन होता है टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ए से बी पॉइंट, किसको ला रहे हैं, हमको नहीं, क्यू को ला रहे हैं, बस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन आपको 20 जूल का दे रखा है, चार्ज आपको दे रखा है 4 कूलम का, ये हो गया 5। इस पे आपने कहा कि V वोल्ट है तो हमने V रख दिया, इसकी वैल्यू आपने कहा 10 वोल्ट थी वो 10 वोल्ट रख ली, तो V की वैल्यू बतानी थी 5, इसको इधर ले आइए 10/15 वोल्ट है, कोई 15, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जाके इसको कर पाएंगे। फार्मूला तो आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे होनी चाहिए। एन आपके पास आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉपलेट्स थी ऑफ सेम पोटेंशियल बी, इनको आपने इकट्ठा किया कोलेसिस टू फॉर्म ए सिंगल बिगर, ये आपके पास एन थी, ठीक है, और बी भी पोटेंशियल था आपके पास, आपने इनको कर लिया एमआरआई, एक बिग बना ली, सबको गूंद लिया, छोटे छोटे लोई थी आपके पास, इन सबको करके एक बड़ा सा जो है पराठा बना लिया। तो कह रहे हैं साहब इसका पोटेंशियल बताइए, इस सूरत हाल में क्या होगा इसका, बस दो चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, चार्ज कंजर्व करेगा, चार्ज कंजर्व करता है, यानी कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज प्रत्येक पे था तो कितनी है बेटा, एन क्यू, तो जब ये बड़ी वाली बिगर बनेगी तो चार्ज कंजर्व करेगा, यानी टोटल चार्ज आपके पास एन क्यू था, तो जब बिगर बनेगी तो उनका कुल चार्ज बिगर का एन क्यू होगा। तो पहला पॉइंट याद रखना, चार्ज कंजर्व करता है, दूसरा वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम विल बी
रिमेंड सेम, यानी जब इनको मिला देंगे तो इन का जो टोटल वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मसला स्फेरिकल है ड्रॉप से, तो आपने कहा सर ड्रॉप स्फेयर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। कहीं इनका क्या हो गया, छोटा सा आर लिया था, तो आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब कितनी थी बेटा, एन ड्रॉपलेट थी, एन देखो, तो आपने कहा एन टाइम था, काम बन गया। इसको इसको काट दीजिए, आर को चाहिए था तो आर क्या हो जाएगा, एन की 1/3 आर हो जाएगा, क्योंकि तो जैसे ही आप डिवाइड बाय 3 करेंगे हमें राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बस काम बन गया बेटा आपका, आपने कहा बी डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज हमारे पास हो गया एन क्यूब और रेडियस हो गया कैपिटल आर। इसका पोटेंशियल बी था आपको मालूम था, जो कि किसके द्वारा दिया जाना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर के, यानी क्यू अपान आर की जगह बी लिख सकते हैं। आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको, किसको, इस आर को, तो आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एन क्यू और इस आर की जगह आप एन की 1/3 आर लिख सकते हैं। तो देखो बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर, ये वी के बराबर थी, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर की जगह वी लिख लो, और ये एन एक है ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1/3 हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया वी डैश बराबर 3 में से 1 गए 2 तो 2/3 वी है कोई, यस डी इज द करेक्ट आंसर, एन बराबर 2/3 वी। तो दो बातें ध्यान रखिएगा इस पूरे सिस्टम में, वो कई सवाल मिलेंगे आगे क्या कि जो छोटे छोटे हैं मिलके बड़ा बनाते हैं, इसमें दो बातें ध्यान रखेंगे आप, चार्ज कंजर्व करेगा, जो छोटा टोटल चार्ज आप छोटा छोटा है वो बड़े के बराबर हो जाएगा, उतना ही चार्ज बड़ा का हो जाएगा, और वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो जितना भी वॉल्यूम ये बना रहा है मिलके वो पूरा वॉल्यूम इसके बराबर होगा। दो बात का ध्यान रखेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे आप। फिलहाल यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात चल रही तो हम लोग पोटेंशियल पे फोकस किए, जल्दी मिलेंगे एक नए सवाल के साथ आगे। ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एनदर, अरे वाह, ये एक इलेक्ट्रॉन साहब थे, एक इलेक्ट्रॉन साहब थे, इनको पास मिला रहे हैं आप, तो क्या जानना चाह रहे हैं ये, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। अरे आपने कहा सब एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर होती है, तो जाहिर सी बात है आर रेसिप्रोकल है, ये भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, रेसिप्रोकल है, तो अगर ये कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ब्रिंगिंग नियर ला रहे हैं, टूवर्ड्स ला रहे हैं, यानी आर क्या हो गया बेटा, देखिए पहले आर इतना था अब आर इतना हो गया, आर कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन, बहुत सही, मान लीजिए लो पोटेंशियल आपकी समझने के लिए बना दिया 5 वोल्ट है, हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट के हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या हल होगा, आप जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए आपने इसको क्यू मान लिया, ठीक, तो आप देखिए अगर हाई पोटेंशियल मान लिए थे आपने 10 और ये मान लिया था लो 5, W अपान क्यू, W आपकी एनर्जी है, तो 5 बराबर W अपान क्यू, यानी W = 5 Q, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आप कहेंगे कि इंक्रीज करेगी, अगर ये निगेटिव होता तब आप कहते कि ये डिक्रीज करेगी, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल, आप वैसे भी आप सोच सकते हैं लॉजिकली भी कि सर पोटेंशियल जो है इतना होता है, ठीक, रेसिप्रोकल टू आर होता है, अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर होता है।
तो पोटेंशियल आर होता है, पोटेंशियल में एक चार्ज और लगा दिए तो एनर्जी हो जाती है, तो वो रेसिप्रोकल टू आर होती है। जब आप देख रहे हैं कि आर कम होगा पोटेंशियल तभी बढ़ेगा, और अभी अभी पीछे देखा था आर कम हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे कि आप निकाल सकते हैं कि एनर्जी पास लाने पर बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लार्ज होलो मेटल स्फीयर, देखिए इस तरीके का ये तीसरा सवाल आ गया है। एम राइट, आप जानते हैं कि यहाँ से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और फिर जो है एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द चार्ज हालो मेटल्स किसके बराबर होगा, जो आपके सरफेस पे है वही पोटेंशियल सेंटर तक होगा, सेम एट दैट ऑफ द सरफेस। देखिए तीन बार ऐसा सवाल पूछा जा चुका है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह हमेशा पूछा जाता है हालो मेटल स्फीयर या कंडक्टिंग हालो स्फीयर आदि इत्यादि में। बेसिक फिजिक्स ये नेचुरल फिजिक्स है जिसकी वजह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल सिमिलर मिलता है। पोटेंशियल ऑफ द लार्ज, देखिए आ गई लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन एट लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट। तो पहले तो आप कुछ ना समझ में, एक बड़ी वाली बना लीजिए, एम राइट, और आपके पास एट छोटी वाली थी, आइडेंटिकल थी भाई, हमसे नहीं बना कोई बात नहीं। ये हो गया आपका आर का। द पोटेंशियल ऑफ लार्ज लिक्विड ड्रॉप यानी इसका पोटेंशियल, When eight liquid drop is combined, आठ है अगर सबके पास, मान लीजिए क्यू क्यू है, am I right बेटा, तो पहला पॉइंट क्या होगा, चार्ज कंजर्व करेगा, ये एट क्यू हो जाएगा, ये आपका 20 वोल्ट का दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया है कि जो वॉल्यूम है वो रिमेन सेम रहेगा, यानी 4/3 πr³, आठ है 4/3 πr³ होगा, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, टोटल इनकी छोटी वाली का वॉल्यूम बड़े के बराबर होगा, काम बन गया, ये 2³ होता है, तो इसलिए कैपिटल आर इज इक्वल टू 2R हो गया। तो दो पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे कि चार्ज कंजर्व कर रहा है और ये वॉल्यूम बराबर है, सब काम निकाल लेंगे, देन पोटेंशियल ऑफ ई सिंगल, कैन भाई साहब सिंगल का होगा 1/4 πε₀ क्यू अपान आर के, बड़ा का 20 वोल्ट है तो आप कह रहे हैं कि ये बराबर 1/4 πε₀, चार्ज कितना था इतना अपान इतना, एम राइट। अब देखिए इस आर की जगह, इस आर की जगह, इस आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं बेटा, इसको काट दीजिए, 4 हो गया। आपको कितना चाहिए था, आपको चाहिए था 1/4 πε₀ क्यू अपान बी का वैल्यू चाहिए थी, एम ए राइट, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये बराबर बी के हो गया, यही बी निकालना था, अब बी बराबर 20/4 यानी 5 वोल्ट। तो अगर आप दो बातें ध्यान रखिएगा कि टोटल जो चार्ज है वो कंजर्व करता है बेटा, और वॉल्यूम विल रिमेन सेम, बाकी मैथमेटिक्स है, इसका पोटेंशियल ये होता है, एम ए राइट, 1/4 πε₀, एक का चार्ज और डिस्टेंस, और इसका पोटेंशियल इन्होंने ये दे रखा था जो कि आप जानते हैं कि 1/4 πε₀, इस पे चार्ज कितना था, 8q था, और इसका जो डिस्टेंस था, रेडियस था, वो r था, r को आपने यहाँ से रिलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, और आपको पोटेंशियल मिल गया किस पे, छोटी वाली पे, ड्रॉपलेट पे। तो सारा खेल दो कंसेप्ट का है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का और आपका वॉल्यूम विल रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी इस
एक्सेलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, इतना किसको, इलेक्ट्रॉन को। अरे यार V बराबर W अपॉन क्यू क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो W है ना V इंटू E, यही काइनेटिक एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसी से एक्सेलेट हो रहा है। ये 100 है, E की वैल्यू आप जानते ही हैं, 2 कम कर दीजिए, -17 जूल। Am I right? Yes. A is the correct answer. बहुत अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है कि चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म फील्ड, इतना वर्क डन। अरे आप वर्क डन जानते हैं, F इंटू डी होता है, F आप जानते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन चार्ज होता है, Q होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए F बराबर Q इंटू E हो जाएगा। डिस्टेंस कितना चल रहा है, y का है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, क्यू ई वाई। ए इज द करेक्ट आंसर। तो मित्रों 15 सवाल आपने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के लगाए, बहुत अच्छा किए। आगे भी हम आपको सवाल लगवाते रहेंगे, आपको एक जेस्चर दिखा दें, यहाँ से कैपेसिटर्स के चालू होंगे, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए, देखते रहिए, बहुत ही जल्दी हम लाइव आएंगे, काउंटर के साथ आएंगे, जिससे कि आप को पास आपको ये ज्ञान हो जाए कि आप क्या उतने समय में कैपेबल हैं, सवाल को लगा लेते हैं कि नहीं। तो पहले बेस थोड़ा बना लिया जाए फिर काम करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सरप्राइज कर लीजिएगा और बेल आइकन को दाब लीजिएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत।